सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम एक क्विक सा मेक ओवर करने वाले हैं, मेकअप प्लस हेयर स्टाइल एंड स्टार्ट। ओके, ठीक है। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी द बॉडी शॉप विटामिन सी मॉइस्चराइजर से, सर जेल मॉइस्चराइजर। सो सनस्क्रीन लगाएंगे हम, बिकॉज इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं कंसीलर लूँगी बेस के लिए, बिकॉज मैं पहले बेस करती हूँ फिर आई शेडो यूज़ करूँगी। एले गर्ल प्रो कंसीलर के सीधा। एंड मैं ये भी बता दूँगी कि मुझे मेकअप ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, सो गाइज डोंट माइंड, जस्ट आई एम डूइंग इट द वे आई डू। ओके, यूजिंग दिस मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन एंड शेड नंबर 220। ओके, सो बिफोर यूजिंग दिस फाउंडेशन एंड आफ्टर यूजिंग कंसीलर आई ऑलवेज यूज मैक फिक्स स्प्रे। ओके, देन उसके बाद आप इसे रब मत कीजिएगा, ठीक है, स्पंज से आपको टैप करना है। आफ्टर यूजिंग द फाउंडेशन मैं मैक स्टूडियो मैक कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी, जिसका शेड है NC42। ओके, एंड हम आई एम गोना कर्ल माई आई लैशेज विद दिस। ये आई शेडो पैलेट मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से और इसका नाम है हिलेरी आई शेडो। एंड मैं अभी शेड लूँगी दिस वन, दिस पर्पल शेड शेडो, द पर्पल वन। आई एम गोना यूज़ द आईब्रो पेंसिल, मिस क्लेयर वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल। मस्कारा और ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल। मस्कारा करने के बाद यार आंखें ऐसी चमकीली हो जाती है, मतलब चमकीली नहीं कह सकते, बहुत ही एक ऐसा लगता है कि जादू सा हो गया। सो मस्कारा हम नीचे करेंगे। लैशेज करने के बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी और मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इट्स मैक एंड शेड सॉफ्ट एंड जेंटल। कूल राइट। सो हम हाइलाइटर करेंगे पहले कॉर्नर, आई कॉर्नर पे, नोज पे, नाइस। सो गाइस वी आर डन विद द हाइलाइटर, सी इट्स रियली सो गुड, द शाइन, आई लव द शाइन, लाइक दिस इज़ रियली 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 अ गुड हाइलाइटर। मैं इसे शायद एक साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये हाइलाइटर बहुत पसंद है। एंड मेक श्योर कि आप इसको हाइलाइटर को ब्लेंड अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ अ गिफ्ट, इट्स रियली नेसेसरी। और गर्मी, जहाँ पर इतनी सारी गर्मी हो रही है आज कल, रियली रियली हॉट आउटसाइड देयर। ओ शिट, सॉरी, मैं आईलाइनर करना भूल गई यार। सो लेट्स डू द आईलाइनर। सो आई एम यूजिंग द कलर बार आईलाइनर, फाइन, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, सी राइट। ओके, वन मोर थिंग मुझे आपको बताना था कि मैं ये लाइनर से अपने मोल्स को हाईलाइट करती हूँ, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रिक फ्रॉम नायका। मैंने ये नायका से ऑर्डर किया है, इसका शेड है 07। आप ऑर्डर कर सकते हैं, इट्स रियली रियली नाइस वन। सो ऑर्डर करेंगे लोअर, बिकॉज़ आई हैव हेवी चीक्स एंड लिटिल बिट हियर, नोज एंड स्लाइट हियर। ओके, अब हम करेंगे ब्लश। मेरे पास है शुगर का ब्लश, इट्स अ स्टिक ब्लश, इट्स अ 02 पिंक प्राइम शेड। एंड ये ब्रश मैंने कलर बार से लिया था, सो क्यूट। लिटिल बिट ऑन नोज,
That's it. So we are done with the blushing. Next we'll go for lipstick. It's Lakme Absolute. Shade number Magenta Magic. Okay, after using Magenta Pink from Lakme lipstick, then मैं थोड़ा lighter shade लेती हूँ lipstick का, जैसे this one, it's from MAC. Okay, so ये lighter shade इसलिए लिया है because मुझे ज़्यादा dark पसंद नहीं है. अगर मैंने eye shadow slight dark किया है तो मुझे lips थोड़ा light चाहिए, अगर lips dark है तो मुझे eye shadow नहीं चाहिए. I keep it like ऐसे balance करना मुझे अच्छा लगता है. Yes, we are done with the makeup. Okay, this is my makeup जो मैंने किया है अभी, एंड अब मैं MAC फिक्स पे वापस से. सो थोड़ा ड्राई होने के बाद मैं वापस से अपना MAC का स्टूडियो कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ. ओके, शेड NC42 एंड आई अगेन डू द टच अप ऑन दिस पोर्शन अंडर माय आईज. Okay, so after combing my hair, I'm gonna show you how I do my bun. So guys, this is how I make my bun. Okay, so if you want, you can keep this thing like this. आगे के hairs आप ऐसे ही रख सकते हैं. Okay, आप bobby pins लीजिए. Take bobby pins. Okay, grab your hair like this. This and it's good twist kijiye aise. Just take this bobby pin and next hum iske sath bhi. Then aap chote chote lad nikal lijiye yahan se agar aapke baby hairs hain to. So yeah, so now I will change my. So guys, here's my outfit. Okay, ये dress मैंने Urbanic से order किया है, आप जाके वहाँ पर checkout कर सकते हैं. They have really amazing collection. So हमारा makeup और hairstyle हो चुका है. So let's go for accessories. So you all know कि मुझे ज़्यादा accessories पहनना पसंद नहीं है, और मतलब मैं पहनती हूँ, आपने मेरे videos में भी देखा होगा, but ज़्यादातर नहीं पहनती. मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें सारे एसेसरीज है. लुक एट दिस. एंड ज़्यादातर इसके अंदर ऐसे चेन है एंड छोटे छोटे पेंडेंट वाले चेन है. सो मैं आज एक लूप इयररिंग पहनने वाली हूँ बिकॉज आई लव लूप इयररिंग्स. सो फर्स्ट वी गोना इट्स लुकिंग प्रिटी राइट. After the earring, we'll go for neck. ये neck chain पहनूंगी because I love this one. Okay, fine. So guys, this is all. My makeover is done. Okay, now I'm ready to go out. And my hairstyle is also done. I know it's an easy hairstyle and you can try. If you want to and आपके फेस पे अगर अच्छा लग रहा है और आपको चाहिए तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ये वाला हेयर स्टाइल. इट्स रियली क्यूट हेयर स्टाइल. ओके, एंड होप सो आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा होगा बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग. होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ हग. मेरा ये मेकओवर अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप, गिव मी लाइक, डू कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए मेरे ब्लॉगिंग के लिए. तब तक के लिए बाय.